पहले एक जार लेंगे, इसमें हम दो अंडे डालेंगे। इसमें इसमें 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, और हम ये लेंगे 2 कप मैदा। हंड्रेड ml हम मिल्क लेंगे, ये 1 कप, और 1.5 कप हम इसमें पानी लेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से इसमें पहले मिक्स करेंगे, और फिर इसका जार हम कवर करके इसको हम घुमाएंगे 1 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये 1 मिनट हमने इसको घुमाया है मिक्सर में, और ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में हो गया है, एकदम परफेक्ट। अब इसको एक बाउल में निकालेंगे, इसको हम साइड में रखेंगे और चिकन की तैयारी करेंगे। मिक्सर में इसको घुमाया, तब इसमें हमने 1 टेबल स्पून बटर भी ऐड किए, आप उसकी जगह पे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये बनाने के टाइम में अच्छी तरह से ये बनेंगे। अब इसको हम कवर करके साइड में रखेंगे। ये मेरे पास 200 ग्राम चिकन है, मैंने इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखी। हमने चिकन को एक बाउल में निकाले, अब इसमें हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, मैं इसमें ले रही 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। इसमें हम लेमन लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, 1/2 लेमन लेना है, 2 टेबल स्पून दही जाएगा इसमें। अब ये सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो एक इस तरह का आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, 2 साल पहले डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी है। इसको हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे कवर करके, फिर इसको बनाएंगे। मैंने गैस पर एक बर्तन चढ़ा दी हूँ, और इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, और हमने 1/2 मीडियम साइज की प्याज लिए, इसको हमने रफली चॉप किए इस तरह से। आप इसमें शिमला मिर्च, कॉर्न ये डाल सकते हैं, और साथ ही इसमें हम चिकन को भी ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी है। चिकन का पानी ड्राई होने का, जिसको हम पकाएंगे, और ये छोटे पीसेस में है, जल्दी गल जाती है। चिकन का पानी ड्राई हो गया है और चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करेंगे इस बाउल में निकाल के। इसको हम साइड में रखेंगे और क्रैप रेडी करेंगे। इस तरह से है, अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया, ब्रश लगेगा हमें। हमने एक फ्राई पैन रखे है, इसमें हम थोड़ा सा ब्रश घुमाएंगे ऑयल का, अभी ये चिपके नहीं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और एकदम क्विक है, इसको भी हम पलटेंगे इस तरह से। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। अब
बाकी के भी हम इसी तरह बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा बना है और एकदम परफेक्ट। अब इसकी हम साइड पलटेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाह, ये एक मिनट में एक बनकर रेडी हो जाता है। इसको निकालेंगे, बाकी के भी हम इसी तरह बनाएंगे सारे। ये हो गए बनके सारे रेडी हो गए। आप देख सकते हैं इसमें ये 12 बने हैं टोटल, और हमने ये बड़ी साइज के बनाए हैं, और हमने सिर्फ वन टाइम ही फ्राई पैन पे ग्रीस किए हैं। बार बार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड किए, उस वजह से ये इजीली बनके रेडी हो जाता है। और हमें लगेगी मोजरेला चीज, अगर आपके पास स्लाइस में है तो आप स्लाइस चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बाउल में हमने 1 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इस तरह से बना के रखे, हम ये चिपकाने के लिए हमें काम आएगा। अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे, और ये चिकन भी ठंडी हो गई है, और चीज अपने हिसाब से हम इसमें डालेंगे। आप कम पसंद करते हैं तो आप इसमें कम ऐड करें, और अगर आप बिल्कुल नहीं खाना चाहते तो बिना चीज के भी आप इसको बना सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी ये साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे, देन आफ्टर इस तरफ से, और हम यहां पर इसको लगाएंगे। हमने गोल बना के रखा हुआ है, इसको इस तरह से चिपकाएंगे। अब इसको हम यहां पर इस तरह से प्रेस करेंगे। ये हो गया रेडी, सारे हम इसी तरह बनाएंगे। ये हमने सारे बनाए, अभी हम इसको सेकेंगे। हम इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हो इसका कलर कितना खूबसूरत सा आया हुआ है। इसको इसी तरह से हम दोनों साइड से करेंगे। अब इसके हम दूसरी साइड चेक करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है इसका। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। बाकी के भी हम इसी तरह बनाएंगे। ये हो गया रेडी, हमने डिश आउट किए, बहुत ही जबरदस्त बना है। आप देख सकते हैं इसका लुक एकदम यमी है, टेस्टी है। मेरी इसकी एक वीडियो आपको 2 साल पहले की वो भी मिलेगी, सेम इसी तरह बना हुआ है और बहुत ही यमी लगता है ये। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप भी इसे इफ्तारी में से जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।